पहले आके बैठे रहना पड़ता था कि अब कब आएंगे कस्टमर, अब कस्टमर मेरी राह देखते कि आंटी कब आएगी। मेरा नाम दीक्षिका है। और ये आपने जर्नी की शुरुआत कैसे की? मैं पहले लोगों के घर पे खाना बनाने जाती थी, फिर सोचा कि लोगों के घर पे अलग अलग खाना बनाने से अच्छा कि अपना खुद का कोई सेटअप का कुछ नया सोचो, तो फिर घर पे ट्राई किया और सोचा कि ये चीज़ अच्छी है, कुछ यूनिक है और हेल्दी भी है, इसीलिए फिर इसको स्टार्ट किया यहाँ पे। तो अभी आप यहाँ पर क्या क्या बनाते हो? मैं यहाँ पर फलाफल पॉकेट और मैक्सिकन टार्ट बनाती हूँ, और अभी अभी नया गेहूं का फलाफल भी स्टार्ट किया है। तो आज आप हमारे लिए गेहूं का फलाफल बनाइए। ठीक है। और उसकी प्राइस क्या होती है? गेहूं का 120 रुपया रहता है और रेगुलर जो मैदे का रहता है उसका 100 रुपया। और अभी आप जो बना रहे उसमें क्या क्या स्टफिंग आएगा? इसमें मिर्ची और लहसुन की पेस्ट आएगी, जो कटर में इसे थोड़ा सा अखा थोड़ा सा छोटा सा करके रखते हैं, और इसमें फिर पूरी सब्जी जाएगी, प्याज, कैप्सिकम, बीटरूट, पत्ता गोभी सब। और इसमें क्या क्या आपके इंग्रेडिएंट आते हैं ये जो आप बनाते हैं उसमें? यही सब सब्जी रहती है और सब सॉस रहते हैं। और क्या प्राइस से यहाँ पर स्टार्ट होता है? यहाँ 5 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक रहता है, 5 बजे 5:30 बजे स्टार्ट हो जाता है। एवरी डे मंडे को रजा रहती है, मंडे को छुट्टी होती है। मंडे को छुट्टी। ये भी आपने ऑनियंस और ये सब वेजेस डालेंगे? सब वेजेस, और सारे वेजेस हाथ से कटे हुए रहते हैं। तो ये फलाफल का आपको कॉन्सेप्ट कैसे आपके माइंड में आया कि स्ट्रीट पे फलाफल वाला कौन? वो जो स्ट्रीट में वो जैसे वो फलाफल रहता है, वो पता है वो ज़्यादा कॉस्टली रहता है, टिक्की वाला रहता है, और वो ज़्यादा कॉस्टली कोई स्ट्रीट पे खाता नहीं, तो मैं सोचा चलो अपने पनीर वाला ट्राई करते हैं। सारे वेजिस तो रहते हैं, छोले की टिक्की की जगह पनीर टेस्ट ट्राई करके बनाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगा और वो दाम में भी किफ़ायती रहता है, तो कस्टमर भी खा सकते हैं, एक बार तो कोई भी टेस्ट कर सकेगा। ये आप क्या क्या डाल रहे हो एक बार बताएंगे? मैंने प्याज डाला, पत्ता गोभी, कैप्सिकम और बीट रूट। अभी हम इसको 5 मिनट के लिए होने देंगे, छोड़ देंगे, फिर इसका ये पूरा मसाला रेडी होगा। हाँ, फिर इसके बाद मसाला रेडी होगा, इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। तो आपको क्या चैलेंजेस आए और क्या मतलब आपको प्रॉब्लम? स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफ हुई थी, तब कोई कस्टमर इतने आते नहीं थे, लेकिन जब एक बार वीडियो वायरल हुआ था तब से लेके आज तक तो कंटिन्यू चालू ही रहता है। पब्लिक का रिस्पांस भी अच्छा है और सब बोलते हैं कि आंटी आपका डिश बहुत टेस्टी है। और अभी तो लाइन लगती है आपके वहाँ? लग जाती है, अभी तो ज़्यादा क्रू रहता है, अच्छे से हो जाता है। पहले आके बैठे रहना पड़ता था कि अब कब आएंगे कस्टमर, कस्टमर मेरी राह देखते कि आंटी कब आएगी। अभी इसमें जाएगा पनीर, ये पनीर भी घर पे फ्राई किया रहता है। ये मसाला है, घर पे क्रश किया रहता है, और ये सारे सॉसेस हैं।
शुरुआत ही, इसकी शुरुआत ही मैंने की है, इसे आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये आपको गेहूं का आइडिया कैसे आया? वो यार सब जब जिम के सारे लड़के आते तो बोले कि आंटी आप गेहूं का भी बना के एक बार ट्राई करो, आप बना सकोगे। तो घर पे ट्राई किया, दो तीन बार ट्राई किया, फिर बन गया, तभी गेहूं का रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा है। डालू? ये आपका कौन सा पॉकेट है? ये गेहूं का पॉकेट है, प्योर गेहूं का रहता है, इसमें कोई मिलावट नहीं रहती है, कोई आटा मिक्स नहीं है इसके साथ। पूरा खोल दूँ? एक वापस बंद करो। खोलूँ?